बलून मैन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। बलून मैन कहाँ खड़ा था या कहाँ खड़ा रहता है? तो इसका आंसर है द बलून मैन स्टैंड एट द मार्केट स्क्वायर। वो बाजार के चौराहे पे खड़ा रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द बैलून्स व्हेन देयर इज विंड। जब हवा होती है तो बैलून के साथ क्या होता है? तो इसका आंसर है व्हेन देयर इज विंड, जब हवा होती है तो द बैलून टग अ लॉट। तो बैलून ऊपर की तरफ क्या होता है? टग होता है, मीन्स उसमें खिंचाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बैलून मैन डू। यानी बच्चे क्या चाहते हैं कि बैलून मैन क्या करे? तो इसका आंसर है द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बैलून मैन सेटिंग ऑल द बैलून्स फ्री इन द स्काई। यानी बच्चे चाहते हैं कि बैलून मैन सभी बैलून्स को क्या करे? फ्री कर दे इन द स्काई। एंड ही वांट्स टू सी देम, और वो उन्हें देखना चाहते हैं, यानी बच्चे देखना चाहते हैं उन गुब्बारों को सेलिंग हाई, कि वो तैरे हाई इन द स्काई। कहाँ पे? आसमान में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में क्या करना है? आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जंबल लेटर्स। ये जो लेटर्स दिए गए हैं वो जंबल्स हैं, मीन्स क्या है, डिसअरेंज है, इधर उधर है। एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। और इस वर्ड को, हमें लेटर को क्या करना है, सिक्वेंस में लगा के एक वर्ड बनाना है, मीनिंगफुल वर्ड। जैसे यहाँ पे देखिए LLABOONS से हमको बनाना है, तो हम इसे जब सही वर्ड बनाएंगे तो हमारा वर्ड होगा बलून्स। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए ये वर्ड है, इधर उधर डिसअरेंज है लेटर, तो इसको हम जब सही अरेंज करेंगे तो बनेगा वर्ड लंच। वैसे इस वर्ड से बनेगा ब्लू। फिर नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे, इसको जब हम अरेंज करेंगे तो बनेगा पीपल। फिर है देखिए ये वर्ड है, जब हम इसको हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? बिलो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, जब हम इसको अरेंज करेंगे तो इसको इससे क्या बनेगा? कार्ड। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है कि पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। जो नीचे बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं और ये जो ग्रुप बनाया गया, जैसे नेचर, फूड और कलर्स, जो इससे बिलोंग करता है उसको वहाँ पे उसके सीरीज में रखना है। नेचर्स में क्या क्या है? विंड, स्काई और ग्रास, ये नेचुरल चीज़ें हैं, तो इसको हम इस सीरीज में रखेंगे। फिर उसके बाद है फूड, जो फूड से आइटम जितने रिलेटेड होंगे वो हम फूड में रखेंगे। टर्निप, पाइनएप्पल और राइस, ये एडेबल आइटम है, तो इसको हम इसमें रखे हैं। और कलर्स में जो हमारे कलर होंगे वो उनको हम इसमें रखेंगे, जैसे ग्रीन, पर्पल, वाइट और येलो, ये क्या है? ये कलर है। तो हमने इसको क्या किया, ये सारे जो बाग से वर्ड को पिक किया और पिक करके हमने उसको अब उसके सूटेबल प्लेस पे रख दिया, तो ये हम करेंगे इसमें। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड आउट इन दिस मेज। जो नीचे वर्ड मेज दिया गया है, इसमें आप कितने कलर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट देयर नेम्स बिलो, और उनके नाम कहाँ लिखने हैं आपको, नीचे लिखने हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके बाद आप उसका नाम क्या करिएगा, नीचे लिख दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसको हम हाईलाइट करेंगे, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा क्या, ये हमारा बन जाएगा पर्पल। यहाँ तक हम जब हम हाईलाइट करेंगे तो ये हमारा हो गया पर्पल, यहाँ तक हम पर्पल कर दिए। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ऑरेंज। ऑरेंज तो एक हमारे लिए कर ही दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ से जैसे हम इसको ले लेते हैं, तो ये हमारा लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा येलो, ये येलो हो जाएगा। येलो के बगल में जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा ब्लू, तो यहाँ से आप ब्लू कर देंगे। और फिर जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए बॉटम पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पिंक, तो हमने यहाँ पे पिंक कर दिया। और ऐसे ही बहुत सारे हैं, ये आपको अपने तरीके से खोजना, आप खोजिएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, वायलेट, तो हम यहाँ पे ले आएंगे और इसको क्या कर देंगे, वायलेट। यहाँ पे वायलेट सर्च कर लिया हमने। फिर हमने यहाँ पे सर्च किया क्या, ब्लैक, ये देखिए ये ब्लैक हो गया। फिर हम सर्च करेंगे, देखिए यहीं पे है, ये हो गया हमारा क्या, वाइट। अब वाइट के ऊपर से अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, रेड। तो ये हमें क्या करना है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद
हमें नीचे क्या करना है, लिखना है। जैसे एक देखिए, और हम यहाँ पे ढूंढ के दिखाते हैं, यहाँ पे है हमारा ब्राउन। तो इस तरीके से हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर में जब हम नीचे आएंगे तो नीचे हम इसको कर लेंगे। जैसे नीचे नेम दिया है, नेम क्या दिया है आप देखिए, जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया गया है, और जो आपने इसमें फाइंड आउट किया है वो यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, जो कलर हमने फाइंड आउट किया है वो नीचे हमने लिख दिया है, जैसे रेड, ब्लैक, पिंक, वाइट, ब्लू, येलो, और भी बहुत सारे हमने पॉइंट किया, जैसे यहाँ पे वायलेट है, ब्राउन है। तो जितना यहाँ पे स्पेस था वहाँ उतना हमने क्या किया है, मेंशन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द बैलून्स, जो बैलून्स में जो वर्ड दिए गए हैं उनका विद देयर अपोजिट्स, उनका हमें अपोजिट लिखना है। यू कैन फाइंड देम इन द पोयम, आप इस पोयम में आप उनको पा सकते हैं। द बलून मैन, वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। देखिए एक हमारे लिए कर दिया गया है, ये जो वर्ड है नेवर, नेवर क्या है, अपोजिट क्या होगा, ऑलवेज। नेवर मीन्स कभी नहीं, और ऑलवेज मीन्स सदैव, हमेशा। तो उसी तरीके से स्मॉल, स्मॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिग। यहाँ पे हमने बिग लिखा है, स्मॉल मीन्स छोटा, बिग मीन्स बड़ा। रेनी, रेनी मीन्स क्या हुआ, बारिश होना, और रेनी का होगा सनी मीन्स धूप। तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। और लो, लो मीन्स नीचा, और हाई मीन्स ऊंचा, तो लो का अपोजिट हाई हो जाएगा। सिट मीन्स बैठना, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, तो सिट का स्टैंड होगा। और नियर मीन्स पास, और फार मीन्स दूर, तो इसका अपोजिट वर्ड ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन आंसर के इस सेशन में द बैलून मैन्स का क्वेश्चन आंसर किया। आप इसे देखिए, एंजॉय कीजिए, फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।